Hello all students, in this video we shall going to learn the writing section में जो आपकी advertisement दी गई है उसके बारे में आज बात करेंगे। अब तक हमने notice and poster कैसे उसको write करते हैं, उसके main characteristics क्या होते हैं, उसका structure कैसा होता है, आपको क्या क्या details देनी है उसमें, वो सारी बातें अब तक हम कर चुके हैं। अब आज हम जो है topic discuss करने वाले हैं वो है advertisement। So let's start the topic। सबसे पहले कि व्हाट इज़ अ एडवर्टाइजमेंट, तो आपने बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट देखी होंगी टीवी पे, तो हम देखते हैं। बट यहाँ पे रिटर्न फॉर्म में एडवर्टाइजमेंट की बात हो रही है, जिसके हम न्यूज़पेपर में देखते हैं, मैगजीन्स में देखते हैं, या फिर कोई भी ऐसी एडवर्टाइजमेंट है जो रिटर्न में आती है, तो वो एडवर्टाइज की बात हो रही है यहाँ पे, जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगी। और आपको वो जो है इस तरह से, जैसे मैं बताने वाली हूँ आगे स्ट्रक्चर है, सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी, उस तरह से आपको आंसर में लिखना है, जिस वजह से आप जो एडवर्टाइजमेंट के मार्क्स है उसे कवर कर पाए। सो सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज़ एन एडवर्टाइजमेंट। एन एडवर्टाइजमेंट इज अ पब्लिक अनाउंसमेंट द मेड थ्रू अ पॉपुलर मीडिया लाइक अ न्यूज़पेपर, मैगजीन, टेलीविजन, रेडियो एंड द सिनेमा। एन एडवर्टाइजमेंट मे बी अ डिस्प्ले ऑन द प्लेकार्ड्स एज़ वेल। इट इज़ अ नॉन पर्सनल ओरल और विजुअल मैसेज रिगार्डिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस और एन आइडिया। यानी कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट वो अनाउंसमेंट होती है टूअर्ड द पब्लिक, पर्सनल जनरली एडवर्टाइजमेंट नहीं होती है, वो पूरे बहुत बड़े मास के लिए ही होती है, एक बहुत सारे लोगों के लिए होती है, और वो जनरली किसी प्रोडक्ट की हो सकती है, सर्विस की हो सकती है, वैकेंस की हो सकती है, या फिर आइडियाज है कोई तो उसकी भी हो सकती है। और वो कहीं भी डिस्प्ले होती है, जैसे कि मैगजीन में, न्यूज़पेपर है, टेलीविज़न, रेडियो, सिनेमा, इन सब पे वो डिस्प्ले होती है। तो पर्पज़ क्या है एडवर्टाइजमेंट का, क्यों एडवर्टाइजमेंट की करनी ज़रूरी है? देन एन एडवर्टाइजमेंट अट्रैक्ट इमीडिएट अटेंशन ऑफ द पब्लिक। वो एडवर्टाइजमेंट है वो क्या करती है, किसी प्रोडक्ट के लिए, सर्विस के लिए या आइडिया के लिए लोगों का अटेंशन है वो जो है इमीडिएटली अट्रैक्ट करती है उन्हें। इट इज़ द वेरी पोटेंट टूल फॉर प्रमोटिंग सेल्स और सर्विस। वो बहुत ही आसानी से आप बड़े मास तक है अपनी बात पहुंचा सकते हो, अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च, मतलब कि अपने प्रोडक्ट को वहाँ पे पूरी तरह से आप अपने प्रोडक्ट को उनके सामने रख सकते हो, उस पर उनको अट्रैक्ट कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के लिए, तो अच्छी मार्केटिंग कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के लिए, सर्विस के लिए। इट इज़ यूज टू इन्फ्लुएंस द माइंड द ट्रीट एंड द इवन मोटिव टू द मास। रिमेंबर एन एडवर्टाइजमेंट इज द प्ले ऑफ वर्ड। अब यहाँ पे क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट प्ले ऑफ वर्ड्स होता है, वर्ड्स की एक खेल होता है कि आपको इस तरह से उस प्रोडक्ट को या फिर कोई भी सर्विस या फिर कोई आइडिया है उसको इस तरह से आपके सामने रखा जाता है कि आपके माइंड पर एक इन्फ्लुएंसन हो जाता है उसका, आपका जो माइंड है उससे अट्रैक्ट हो जाता है। इट मस्ट बी अ वेरी अट्रैक्टिव टू कैच द आईज ऑफ द रीडर। वो अट्रैक्टिव होती है किसी भी रीडर की, अगर जो देख रहा है एडवर्टाइजमेंट उसकी आईज को कैच करने के लिए। तो यहाँ पे दो टाइप्स के एडवर्टाइजमेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट एंड द सेकेंड वन इज अ कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट। तो आज हम क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट की बात करेंगे और उसी के एग्जाम्पल को है आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट क्या होती है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। सबसे पहले तो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के यहाँ पे कुछ न्यूज़पेपर में दिए जाते हैं, आप देख सकते हो कि जैसे कि कंप्यूटर ऐसा बड़ी हेडिंग दिख जाती है, उसके नीचे लिखा जाता है जो भी उसकी डिटेल्स होती है कि ये है सारी डिटेल्स हैं इसके बारे में, आपको ये सारे कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं, ये मतलब कि बहुत सारे जो सेल्स के लिए होते हैं या फिर आइडियाज के लिए होते हैं, प्रोडक्ट के लिए होते हैं वैसे, फिर वो किसी भी डेकोरेशंस के हो सकते हैं, लॉस्ट ऑफ फाउंड एंड फाउंड्स के हो सकते हैं, फिर सिचुएशन वैकेंट हो सकते हैं, ट्रैवल्स एंड टूर्स हो सकते हैं, सेल्स के लिए हो सकते हैं, प्रॉपर्टी के लिए हो सकते हैं, पैकर्स एंड मूवर्स के लिए हो सकते हैं, मोटर व्हीकल्स के लिए हो सकते हैं, या फिर डिफरेंट टाइप्स के क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट होते हैं। अब उनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के, दे आर कैटेगराइज इनटू द कॉलम अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्लासेस, दे कैटेगराइज द स्टेटेड एट द टॉप। यहाँ पे वो न्यूज़पेपर में एक
कॉलम में दिए जाते हैं सारे एडवर्टाइजमेंट क्लासिकल, और वो टॉप में दिए जाते हैं बिकॉज इट इज़ अ क्लासिकल एडवर्टाइजमेंट, तो उनकी कैटेगरी होती है वो टॉप से शुरू होती है। दे आर रिटन इन द शॉर्ट कैथी फ्रेजेस इन द वर्ड, वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट में पॉइंट टू पॉइंट लिखी हुई होती है जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो कंटेंट होता है उसका। द लैंग्वेज यूज इज सिंपल फिक्वल एंड द फॉर्मल, यहाँ पे लैंग्वेज कैसी होती है एकदम सिंपल और फॉर्मल यूज की जाती है जो सब जनरली सबको समझ आ सके। दे आर शॉर्ट कंसाइज एंड दी शॉर्ट पॉइंट टू पॉइंट, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है, पॉइंट टू पॉइंट होती है। ऑल दी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज दी प्रोवाइड, पर शॉर्ट होती है, पॉइंट टू पॉइंट होती है, पर सारी इन्फॉर्मेशन वो पॉइंट टू पॉइंट में दे देते हैं। पूरी प्रोडक्ट की या फिर सेल्स की या जो भी बात उनको पहुंचानी है पब्लिक तक वो पूरी तरह से बता देते हैं शॉर्ट टू पॉइंट में। कंटेंट नेम एंड द एड्रेस इज गिवन, नाम और एड्रेस जो है जिसका प्रोडक्ट का है उनके कॉन्टेक्ट है, किसको करना है, क्या करना है, कौन एडवर्टाइजमेंट दे रहा है, ये सारे उसकी जो है डिटेल्स हम उस एडवर्टाइजमेंट में पढ़ सकते हैं, दी जाती है। दे आर रिटन इन द बॉक्स टू अट्रैक्ट अटेंशन, अब उसको बॉक्स में लिखा जाता है जिससे वो अट्रैक्ट करे लोगों को। लेट अब मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, एग्जांपल हम जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लिखा है एग्जांपल, यहाँ पे आपको पहले तो एग्जांपल से पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्लासिफाई जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो तो सबसे पहले सिचुएशन वेकेंट होती है। सिचुएशन वेकेंट में क्या क्या है, इंक्लूड दिस एसेंशियल डिटेल्स, उनमें क्या क्या डिटेल्स होती है सिचुएशन वेकेंट में, तो बीइंग विद वांटेड और रिक्वायर, कोई भी चीज़ चाहिए, प्लेस चाहिए, कुछ भी चाहिए, वांटेड हो कोई भी सिचुएशन, तो सिचुएशन वेंटेड में कोई वांटेड या रिक्वायरमेंट की बात की जाती है। स्टेट द नेम ऑफ अ कंपनी, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो उसका नाम दिया जाता है। मेंटेन द पोस्ट एंड द नंबर ऑफ द वैकेंसीज, किस चीज़ की वैकेंसी है उसका पूरी डिटेल्स आपको दी जाती है। स्टेट मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस डिजायर, उसमें कंडीशंस भी दी जाती हैं कि इस क्वालिफिकेशन को दिया जाएगा, इन जो पर्सन है इतना क्वालिफाइड होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। गिवन एज सेक्स एंड द प्रिफरेंशियल क्वालिफिकेशन, उसका नाम मतलब क्या हमें फीमेल चाहिए या मेल चाहिए, इतनी उम्र तक चाहिए, इतनी उम्र तक चलेगा, ये सारी डिटेल्स दी जाती है कि वैकेंसी जो है इस उम्र के लिए है और ये जो है उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये इसका सेक्स जेंडर होना चाहिए मेल या फीमेल। फिर मेंशन पे शेल एंड पर्क्स, स्केल एंड पर्क्स, स्टेट द मूड ऑफ अप्लाइंग क्लियरली एंड विद द कॉन्टेक्ट एड्रेस एंड फोन नंबर, ये सारे डिटेल्स जो हैं हम एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक एग्जांपल दिया गया एडवर्टाइजमेंट का, आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, यू आर अ पर्सनल मैनेजर ऑफ ग्रीन बायो प्रोडक्ट लिमिटेड सेक्टर 18 इन इंडस्ट्रियल एरिया फरीदाबाद, अब फरीदाबाद की कंपनी से है, उनकी सारी डिटेल आपको दे दी गई है। यू नीड एन एसेंशियल पीए सेनियोग्राफर फॉर योर ऑफिस, अब आपको पीए चाहिए, सेनियोग्राफर चाहिए, उसके लिए आपको वेकेंट वाली एक एडवर्टाइजमेंट बनानी है। राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर सिचुएशन वेकेंट कॉलम एम फॉर ऑफ द लोकल डेली, लोकल डेली जो न्यूज़पेपर है, जो डेली न्यूज़पेपर होते हैं उसके लिए आपको एक एक एडवर्टाइजमेंट बनानी है सिचुएशन वेकेंट की। तो सबसे पहले आपको सिचुएशन वेकेंट है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे टॉप में सिचुएशन वेकेंट, फिर वहाँ पे स्टार्ट करोगे वांटेड से, आपको कोई चीज़ चाहिए या फिर कोई व्यक्ति आपको किसी जगह के लिए वैकेंसी के लिए चाहिए, तो आप हमेशा शुरू कहाँ से करेंगे, वांटेड से आप शुरू करेंगे। वांटेड स्मार्ट एफिशिएंट पीए स्टेनोग्राफ और स्टेनोग्राफर फॉर अ लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, क्वालिफिकेशन दी गई है, ग्रेजुएट एज 25 to 30 ईयर, यानी कि एज भी दी गई है। टाइपिंग टाइपिंग स्पीड दी गई है, क्योंकि वहाँ पे जो पीए है वो कंप्यूटर पे काम करेगा तो उसकी टाइपिंग स्पीड क्या होनी चाहिए। तो देखिए जिस तरह से आपको पूछा गया है कौन से प्रोफेशन के लिए पूछी गई है एडवर्टाइजमेंट, उसके अकॉर्डिंग आपको एडवर्टाइजमेंट में लिखना है कि उसकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, उसकी कंडीशंस क्या हैं। तो यहाँ पे दी गया है कि शॉर्ट हैंडेड 120 बीपीएम परफेंस टू दोस हु कैन हैंडल कंप्यूटर्स, सैलरी की बात की गई है, फिर अप्लाई विद दी
complete bio data within a 10 days or the personal to the personal manager. यानी कितने दिनों में आपको जो है अपना डेटा भेजना है वो भी दिया गया है, टाइम लिमिट दी गई है. ग्रीन बायो प्रोडक्ट लिमिटेड इंस्टीट्यूट एरिया फरीदाबाद एटी, और अपना एड्रेस दिया गया है. तो यहाँ पे पूरी डिटेल्स जो है कंटेंट है पॉइंट टू पॉइंट समझा दिया गया है इस एडवर्टाइजमेंट में. बहुत और बहुत सारे जो है एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप उन्हें देख सकते हो. आपको बहुत सारे एग्जाम्पल कहीं से भी मिल जाएंगे, तो वो आपको एग्जाम्पल आप न्यूज़पेपर या मैगजीन है और आपके बुक्स हैं उनमें से भी मिल जाएंगे. तो आप ऐसे एडवर्टाइजमेंट है आपको 10 जितने एग्जाम्पल आपकी बुक में ग्रामर की बुक है या फिर राइटिंग सेक्शन की अपनी बुक बनाई है उसमें आपको लिखने हैं और आपको समझना है और आपको खुद से लिखने की भी ट्राई करनी है, प्रैक्टिस करनी है. क्योंकि आपको अगर जब भी एडवर्टाइजमेंट पूछ जाए क्वेश्चन एज अ इन द पेपर तो आपको आराम से आ जाए कि कौन सी पोस्ट में क्या क्या कंडीशंस होती हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए होते हैं, तो वो आपको रिमाइंड होना चाहिए. आगे का जो सेक्शन है उसमें हम नेक्स्ट जो ग्रामर टॉपिक है उसकी बात करेंगे. तब तक के लिए नेक्स्ट डे, थैंक यू एंड टेक केयर.